तो आपकी नजर में लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? धुलाई उसकी की जाती है जो बेवजह रोड पर घूम रहा हो। हम लोग अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि कौन कितना आवारा है और कौन कितना शरीफ। सिर्फ लोगों की ठुकाई करना ड्यूटी नहीं है हमारी। अगर किसी गरीब आदमी के घर राशन खत्म हो जाए और वो गलती से राशन लेने मार्केट चला जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो। तुम कहां पर रहते हो? कहां जा रहे हो? लॉकडाउन से पहले क्या कर रहे थे? इतने दिनों से क्या सो रहे थे? अपने हाथ आगे करो। अनाप शनाप उस व्यक्ति की पीठ पर डंडे बरसाए जाते हैं और फिर उसे कहते हैं जाओ अपने घर जाओ, वापस दिखाई मत दे जाना। मजबूरन उस आदमी को जाना पड़ता है और उसके जाते ही सब लोग आपस में ये बातें करते हैं कि ठुकाई के इस वीडियो को कहां पर डाला जाए। व्हाट्सएप? अरे नहीं नहीं, व्हाट्सएप पर तो टाइम लगेगा। फेसबुक पर वायरल करते हैं, उसे फेसबुक पर वायरल किया जाता है। उससे हमारी इज्जत नहीं बढ़ती, उसका मजाक बनाया जाता है और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट को गालियां दी जाती हैं। कोरोना वायरस की इस जंग में हमें अपनी इमेज सुधारने का मौका मिला है, बेबस लोगों को पीटने का नहीं। इससे तो इज्जत और गिर जाती है हमारे डिपार्टमेंट की। कोई गरीब परिवार पिटने के डर से राशन नहीं ले पा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूरी करने वाला घर लौटते वक्त पीटा जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक पुलिस की इज्जत करने वाला भी आज अगर पुलिस को गाली दे रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हमारे डिपार्टमेंट का शर्मनाक वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कोरोना वायरस की इस जंग में हमें लोगों को बचाना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें डंडों से पीट रहे हैं? नहीं, उन्हें पीटना नहीं है, उन्हें समझाना है। हो सकता है वो किसी बहुत जरूरी कार्य से बाहर निकले हों। सरकार ने कोरोना जैसी बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को रखा है और समाज की हिफाजत के लिए हमें। डॉक्टर्स तो भगवान बने हुए हैं, लेकिन हम। मोदी जी ने लॉकडाउन के वक्त कहा था कि आपको जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी, लेकिन हम एक बार भी नहीं सोचते, हम उल्टा लाठी चार्ज करते हैं। हो सकता है किसी के घर शाम का राशन ना बचाओ। नहीं, हमें यह तरीका बदलना है, अपनी इमेज बदलनी है ताकि लोग हमारे बारे में भी कुछ अच्छा कहें। और यह सब किसी बेबस को पकड़कर डंडे मारने से या उनकी वीडियो वायरल करने से नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। हमें लाठी चार्ज सिर्फ उन लोगों पर करना होगा जो खुद को और अपने परिवार को खतरे में डालकर बिना किसी वजह के आवारा की तरह सड़कों पर घूम रहा हो। तभी जाकर हमें इस कोरोना की जंग में जीत मिलेगी और हमारी इमेज बदलेगी।